स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। पीछे खड़ी है मेरे स्विफ्ट, आ रखे हैं शीतला कार एम्पोरियम, ठीक है स्विफ्ट दिखा रहे, तो बताते भाई गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है। चलिए स्विफ्ट हमारे पास, ठीक है आयुष आ चुका है बताने के लिए हमको स्विफ्ट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया है ये वाली स्विफ्ट में। पहले एलेक्सा ही है क्या ये? ये पूरी एलेक्सा ही है। अच्छा, सारा काम आज ही हुआ है, टोटल ए टू जेड गाड़ी बस दो दिन पहले ही निकली है और सीधा आज हमारे पास आ गई है। अच्छा, गुड़गांव की गाड़ी है, पहले जानकार थे, एक दो गाड़ी हमसे करवा चुके हैं तो गाड़ी वापस लेके आए अपने पास। ओके, और गाड़ी के अंदर अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, बस दिखाना बाकी है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट की लुक की बात करूँ तो अभी सामने की तरफ नीचे जेन्युइन फॉग लाइट जली है पीली वाली, अभी हेडलाइट और कौन सा ब्रांड डाला है इसमें, मिंडा की। क्या रेट पड़ता है, क्या रेट पड़ती है ये? जो मैं रेट की बात करूँ सिर्फ और सिर्फ 1100 के अंदर हम आपको फिट करके देते हैं रिले के साथ। रिले का कॉस्ट अलग आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 700 एंड ये फ्रेम का कॉस्ट 200 आता है, जो मार्केट के अंदर आपको ये टोटल आपको पड़ जाता है कम से कम 3000 रुपए का, और हमारे पास 1100, 700 और 200 टोटल 2000 रुपए में फॉग लाइट लग के मिल जाती है। ओके ठीक है, इसके अलावा और क्या दिखा रहे हो? इसके अलावा अभी हेडलाइट्स में भैया ने एलईडी चेंज नहीं करवाई, चेक करेंगे कि रोशनी कैसी है रोड पे, ठीक है फिर कभी भी चलते फिरते आके लगवाते हैं। ओके, जो अब हमारी साइड लुक रहने वाली है इसके अंदर दो तीन काम हुए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइड मिरर है, ब्लैक कलर की टेपिंग करवा दी ग्लॉस की, ग्लॉस में यहाँ पे गार्निश क्रोम लगी है विद लाइफ टाइम गारंटी, ठीक है हैंडल क्रोम क्रोम लगी है विद 3 इयर्स गारंटी, ठीक है गार्निश क्रोम लाइफ टाइम आता है, हैंडल क्रोम 3 इयर्स। हाँ। और जो हमारा ये है साइड मिरर, ठीक है ऑटोमेटिक फोल्डिंग है प्लस सेंट्रल लॉक के साथ कनेक्ट हुआ है, जैसे हम गाड़ी लॉक करेंगे अपनी सेंट्रल लॉक बंद हो जाएगी, ठीक है और जैसे ही अनलॉक करेंगे अपनी साइड मिरर वापस खुल जाएंगे, ठीक है। अब जो काम बाकी है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल रखी है बस, यहाँ पे क्रोम डाल दी है, साइड बीडिंग वगैरह कुछ नहीं है। वैसे बाकी लोग लगवाना चाहे तो डोर वाइजर हो गया, साइड बीडिंग हो गया, स्पॉइलर हो गया, ये सब भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बंद कर रखा है साइड वेंट? हाँ, यहाँ पे हमने इंडिकेटर हटा के फरारी का वो लोगो लगा दिया। ओके, फरारी बना दी स्विफ्ट को, ठीक है। पीछे नहीं कुछ किया इसमें? नहीं, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन गाड़ी रखी है भैया ने। अच्छा, कैमरा जोड़ लगा है पीछे? है कैमरा लगाया, सिस्टम लगा है पूरा इसके अंदर, साउंड सिस्टम, ठीक है। और जो साउंड सिस्टम लगा है हमारा इस बार का जो है मेन फोकस बेस के ऊपर है। अच्छा, बेस ट्यूब वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल है। और सिंपल साउंड सिस्टम लगा है, कंपोनेंट है, ऑक्सियल है, एंड्रॉइड है और कैमरा है, ठीक है। और जो साउंड की क्लैरिटी है इसमें वो बेस के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है। उस तरफ से हम देख सकते हैं। अच्छा, उधर से आता हूँ मैं, चलो ठीक है, तो इधर से आओ, मैं उधर से आता हूँ, स्टीयरिंग वगैरह दिखाते हैं। अच्छा, ये भी लगा है। ओके चलो। अच्छा, ये स्टीयरिंग चेंज कर दिया है? हाँ, पूरा स्टीयरिंग चेंज किया है, ठीक है, ZXI वाला, ठीक है। ये डोर खुला हुआ है इसलिए इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये फिल्म भी हल्की टेंटेड की क्या? हाँ जी। और चाबी जरा की सेंटर लॉक लगाई गई है, ये देख सकते हो सेंटर लॉक इसमें लग गया है ये। ओके, सुजुकी के लोगों के साथ, ठीक है। इसको करते हैं हम गाड़ी को जरा। अच्छा, ये सब भी आ रहा है, ये ZXI में आ रहा है पूरा? हाँ जी, ये उसके लिए आ रहा है। थोड़ा सा इसको कर दिया मैंने, ये अपने उसके लिए होते हैं क्रूज कंट्रोल के लिए, पैडल शिफ्टर्स आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लगा है 9 इंच 9 इंच टच है, एप्पल कार प्ले वाला स्टीरियो रहने वाला है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये हमारा 4GB रैम के अंदर आता है, ठीक है, एंड 32GB स्टोरेज है, 100 वर्जन बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, 12 है, ठीक है, विद कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो फंक्शन के साथ आता है। okay. और प्राइस रेंज की बात करो इस वाले सेट की तो वो सिर्फ और सिर्फ 5500 रुपए 4GB रैम एंड 32GB स्टोरेज के अंदर। अच्छा, और जो इसके अलावा बाकी अंदर काम हुआ है, मेन पावर विंडो है, पावर विंडो देख सकते हो आप, ठीक है। और बताऊं इस गाड़ी के अंदर मेन फोकस है ना वो सारा जेन्युइन आइटम के ऊपर है। अच्छा, जैसा अभी तक आपने नोटिस किया होगा साइड मिरर टॉप मॉडल वाले लग गए हैं, पावर विंडो टॉप मॉडल वाले लग गए हैं, स्टीयरिंग टॉप मॉडल है, मीटर टॉप मॉडल है, साउंड सिस्टम तो लगा ही है, क्रोम लीवर हो गया, गियर नॉब हो गया, ठीक है। ये जितना भी मेन है ना टॉप मॉडल का काम वो सारा हो चुका है गाड़ी के अंदर। रही बात छोटी मोटी कसर रह गई है, लाइक सीट कवर्स हो गए, लाइटिंग वगैरह हो गए, सीट कवर नहीं लगवाए? हाँ, सीट कवर नहीं लगवाए, नॉर्मल भैया को सीट वगैरह रखनी है अभी। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन होते हैं आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन वो अभी पेंडिंग है, वो भी भैया धीरे धीरे करवाते हैं। सीट कवर छोड़ के बाकी तो चलो काम हुआ है, डिपार्टमेंट वाले भैया अच्छा। समझ सकते हो, सिंपल प्लेन गाड़ी रखना चाहते हैं, बाकी जो मेन है यूज में वो सारा काम करवा लिया है। रिवर्स कैमरा भी दिखाना एक बार, है ना? ये पीछे की तरफ रिवर्स कैमरा मिल जाता है, HD क्लैरिटी के अंदर आता है,
और उसके अलावा मूविंग लाइन का फंक्शन भी आपको मिल जाता है। ये नॉर्मल डाला है, इसके अलावा मूविंग लाइन का फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, ये मूविंग नहीं होगा इसमें? नहीं, ये मूविंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आता है ड्राइव करना, वो प्रिफर नहीं करते मूविंग लाइन लेना। और इस वाले के एक और फंक्शन बताऊं बढ़िया वाला, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, एक तो एंड्रॉइड बना हुआ है, एक एप्पल कार प्ले बना हुआ है, ठीक है। एप्पल एंड्रॉइड ऑटो और उसका फंक्शन तो अलग ही है, पर इस पे क्लिक करेंगे फर्क हो गया। तो हाँ, ये तो हमारा नॉर्मल एंड्रॉइड खुल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो अपना कार प्ले होता है अच्छा, उसकी तरह इंटरफेस खुलता है, कार प्ले वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये रहा जो Z-Link 5 होता है, यहाँ से आपका पूरा एंड्रॉइड ऑटो या कार प्ले कनेक्ट हो जाएगा। स्पीड वगैरह भी दिखाता है, थीम इस टाइप का है। अच्छा। पार्किंग लाइट ऑन करेंगे तो वो सब भी ऑन होता है। ये नहीं लगवाया भैया ने? नहीं, डैश पे पट्टा नहीं लगाया, सिंपल है ना अपने पास? हाँ, अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा अब जो अपना साउंड सिस्टम है उसको एक बार बजा के दिखा देते हैं। हाँ, बजाओ भाई। ठीक है, ये भैया ने गियर नॉब लगवाया है, और उसके अलावा ये तो दिखाया है, वो तो बजा रहा तो बाद की बात है। ये मेरा एडजस्टमेंट वगैरह मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखो, ये देख सकते हो भाई, ठीक है, इस तरह से कुछ काम करने वाला है। और मैं इसको ज़रा इधर करूँगा तो देखो उधर भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ सो देट आप क्लियरली देख पाओ। ये देखो, ठीक है, मूवमेंट वगैरह प्रॉपर हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो ये इसको करते हैं फोल्ड अनफोल्ड, ठीक है। बाकी लॉक वगैरह सब एक्टिव है इसका? करूँ इसका लॉक? अच्छा, ठीक है, ओके। पावर विंडो चेक करें, ये सिंगल टच, ठीक है, हो गई, पर ऊपर नहीं होती सिंगल टच से, ठीक है, ओके। अब मैं अपने से ही कर रहा हूँ अभी, ओके। अब करके दिखाना जरा अपने से, ठीक है। और जब तक अब हमारा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा प्राइस के रिगार्डिंग। जैसे जो इसके अंदर हमारा सारा काम हुआ है, टॉप मॉडल का सारा काम हुआ है, तो जो रेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो पावर विंडो का सिर्फ और सिर्फ 13,000 है। अच्छा। साइड मिरर सिर्फ और सिर्फ 8,000। अच्छा। स्टीयरिंग सिर्फ और सिर्फ 3,500। ओके, मीटर? मीटर 10,000, ठीक है। गियर नॉब 300, डैशबोर्ड पट्टा लगाना चाहो तो 300, ठीक है। ये सारा हमारा रेट रहने वाला है, ठीक है। अगर सारा काम A to Z करवाते हो तो, ठीक है। अगर मान लो आपको आना है कि एक मीटर करवाओगे या फिर एक पावर विंडो करवाओगे, तो फिर रेट आपका ऑफ कोर्स अलग रहेगा। सिर्फ पावर विंडो करवाते हो तो आपको 14,000 का पावर विंडो पड़ेगा, प्लस 1,000 rupees फिटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा है। सारा काम करवाने के समय आपको कोई फिटिंग चार्जेस नहीं पड़ेगी, कोई अलग से कुछ लेबर वगैरह, कोई भी कनेक्टिंग का वायरिंग वगैरह का कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है। सारा काम करवाने पर, लेकिन और अगर सिंगल काम करवाना है, स्टीयरिंग है या फिर मीटर है, मीटर में तो हम वैसे भी लेबर चार्ज नहीं करते, और बस पावर विंडो या स्टीयरिंग में आपको स्टीयरिंग में 500 और पावर विंडो में 5,000 rupees लेबर चार्ज होगा अगर सिंगल काम करवाते हो। बाकी सिस्टम वगैरह का रेट हमारे पास सेम रहने वाला है, और ऑफ कोर्स बाकी काम करवाते हो तो डिस्काउंट भी अलग से आपको इस पर मिलेगा। चलो ठीक है, तो अब मैं बस आपको साउंड सिस्टम कनेक्ट करके सुना दूं। और क्या कहते हैं, मीटर वगैरह भी आपको हम दिखा रहे थे एक बार, ये पूरे मोड जो है प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा इसका इंटीग्रेशन भी आपको हम दिखा देंगे किस तरह से रहने वाले, क्योंकि स्टेयरिंग चेंज हुआ है, बाकी ट्विटर सैश लग गया है, और मीटर भी आपको दिखाई दिया है, ठीक है। और आयुष, उससे पहले एक बार जरा ये भी दिखाना तुम्हारे एंड से पावर विंडो कैसे काम कर रहा है। बिना किसी दिक्कत के प्रॉपर सारा चीज काम करता है। ओके ओके, ठीक है। कोई भी ये नहीं कि बीच में रुकेगा अटकेगा, जैसे टॉप मॉडल में वर्क करता है वैसे ही इधर भी वर्क करेगा, ठीक है। सारे पार्ट्स जो है मारुति के जनरल यूज होते हैं। ओके ओके, तो इसमें कंपोनेंट नहीं लगे, खाली कॉक्सेल लगे? आगे कंपोनेंट है ट्विटर शायद चेंज करके, एंड पीछे कॉक्सेल है, बेस ट्यूब एम्पलीफायर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टीरियो कंपोनेंट और कॉक्सेल जो बेस आने वाला है, सिर्फ इन चीजों का है। ओके ठीक है, till my shadow turns to sun rays, and on and on.
स्पीकर का बेस बस उसका बेस है। ओके साउंड अच्छा है, बाकी ये भी चेक हो रहा है। ओके ठीक है, तो ये कुछ इसमें रहने वाला है काम, बाकी फ्लोरिंग नहीं हुई इसमें, फ्लोरिंग नहीं हुई, नीचे की तरफ 70 मैट डाले, मैटिंग हुई है। ठीक है, तो ये सब काम हुआ इस गाड़ी में, बाकी भैया से बात कर लेते हैं और क्या बजट बैठा है, कितने में हुआ है सारा काम? ये जो सारा काम हमारा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 के अंदर अंदर हुआ है। 50,000 के अंदर, स्टीयरिंग, पावर विंडो, मीटर, साइड मिरर, पूरा म्यूजिक सिस्टम, सामने की तरफ फॉग लाइट, पीछे की तरफ पार्सल ट्रे भी है। अच्छा, पार्सल ट्रे भी लगी है। ठीक है, ओके ओके, वगैरह पड़े हुए तो ऐसे रख रखा है। ठीक है, ये और नीचे की तरफ मैट्स वगैरह ये सब 50,000 के अंदर अंदर आपको सारा लग के मिल गया। ठीक है, ओके, तो ये सब जो है काम हुआ 50,000 में पूरा। 50,000 चलो भाई बढ़िया, टॉप मॉडल वाला काम हो ही गया यार, क्या रहा है क्या गया है सीट को, वो तो खैर टॉप मॉडल का हिस्सा है भी नहीं है, तो बाकी सब कुछ तो जो चीज़ें होती है वो सब हो ही गया, काफ़ी बजट में कर दिया है। तो चलो पहले आपको ये भी दिखा दें, हम बंद करना डोर भाई, ये देखो मिरर भी फोल्ड हो गया साथ में, है ना, देखा, और इसको अनलॉक करते हैं तो ये देखो, ठीक है, प्रॉपर जो है काम कर रहा है ये भी भाई। शीतला कार एम्पोरियम में भैया आए थे आज, स्विफ्ट का काम करा है, कहाँ से आए भैया? हम द्वारका से आए हैं। द्वारका से आए हो, अच्छा, कैसा रहा भैया काम का एक्सपीरियंस? हम कई बार करवा चुके हैं, तीसरी गाड़ी है हमारी यहाँ पे। अच्छा, अच्छा काम होता है यहाँ पे और अच्छा। काफी जेन्युइन काम है, बिल्कुल कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, कोई वायर कटिंग नहीं होती, इसलिए तीसरी गाड़ी करवा रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इनकी है गाड़ी, बाकी आपने तो पूरा मतलब काम ही वही करवाया जो जेन्युइन होता है, जो चीजें आती है मेन वही आपने पार्ट्स लगवाए हैं। हमारा फोकस MGP के प्रोडक्ट्स का ही था, इसके अलावा हमने कोई भी लोकल प्रोडक्ट्स नहीं लगवाया। अच्छा, तो सही है इनका मतलब हर एक चीज जेन्युइन थी? बिल्कुल बिल्कुल, हम बता रहे हैं आपको कि तीसरी बार आए हम, तीसरी गाड़ी करवाई हमने यहाँ से शिफ्ट, और इससे पहले एक बलेनो भी करवाई थी हमने यहाँ पे, तो हम काफी सेटिस्फाई हैं यहाँ के काम। ठीक है, 10 में से कितना नंबर दोगे मुकेश भैया? 10 में से हम 11 दे देंगे इनको, 11 एक नंबर एक्स्ट्रा, इतना बढ़िया काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, फुल सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, थैंक यू भैया।